हेलो फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस की शुरुआत करेंगे हम निफ्टी के 2 ओवर चार्ट से। 2 ओवर चार्ट में यहाँ से जो डिक्लाइन है यहाँ तक का, वो हम मान रहे थे अभी तक के वीडियो में एक डबल जिगजैग करेक्शन है। यहाँ पे ये एक फर्स्ट एबीसी, फिर एक लिंक वेव एक्स और यहाँ पे एक सेकंड एबीसी, राइट। और यहाँ से जो है, या तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 1 2 3 करके ये ऊपर की तरफ इसको ब्रेक कर दे, या फिर अगेन ये एक एबीसी करके यहाँ पे सेकंड लीवी लिंक वेव बनाने के बाद फिर से ये ट्रिपल जिगजैग करेक्शन के लिए जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये बाउंस होने के बाद अब ये इस लो को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो हम इसको ये ट्रिपल जिगजैग कंसिडर क्यों नहीं कर रहे थे, वो भी हमने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से अगर हम ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को ज्वाइन करते हुए अगर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के बाहर जो है प्राइस चार्ट आ रहा है, राइट। तो इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा था। अगर ये हाई जो है इसके ऊपर होता तो मैं डेफिनेटली इसको कंसिडर करता ट्रिपल जिगजैग करेक्शन के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे ये वायोलेशन हो रहा है यहाँ पे चार्ट का, तो इसलिए मैं इसको ट्रिपल जिगजैग करेक्शन, ये जो डिक्लाइन है उसको इस तरीके से फिफ्थ डिक्लाइन जो है वो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ तक डबल जिगजैग करेक्शन मान रहे थे, अब ये डिक्लाइन जो है ये मुझे लग रहा था इम्पल्सिव डिक्लाइन। अब मान लीजिए कि ये करेक्टिव डिक्लाइन है, राइट, लो को ब्रेक कर चुका है, तो अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन है तो ये करेक्टिव है, तो ये अगर इम्पल्सिव है, ये इम्पल्सिव है, तो ये 1 2 3 4, और अगर ये फिफ्थ है तो फिफ्थ का नॉर्मल प्रोजेक्शन 38 to 61% की रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है, राइट। अभी अगर ये इस तरीके से है तो यहां से ये पूरे डिक्लाइन के बाद एक इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट आना चाहिए 38 to 61%, राइट। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी दूसरी अगर बात करें कि ये बाउंस जो है अभी भी ये इंपल्सिव बाउंस ही है और ये डिक्लाइन जो है वो करेक्टिव है, तो फिर से यहां तक एक हमें डिक्लाइन, सॉरी, बाउंस देखने को मिल सकता है ए बी और इरेग्युलर सी का, राइट, क्योंकि ये इसको ब्रेक कर चुका है, राइट। तो ये इरेगुलर बी है और सी के बाद, तो फिर ये कंटिन्यू कर सकता है और इसके नीचे एक नया लो बना सकता है, राइट। ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन अभी के लिए तो ये जो डिक्लाइन है, लास्ट वाला डिक्लाइन, उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है। 38% 17,954 के ऊपर निकलता है तो ही हम निफ्टी को पॉजिटिव मान सकते हैं, राइट। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी जो भी मैंने आपको समझाई है, दोनों में से हमें किसी पे भी अभी श्योरिटी नहीं है। जैसे जैसे आगे मार्केट मूव करता जाएगा वैसे वैसे हम उसको फॉलो करते रहेंगे, तो हमें ऑलरेडी ये पता चल जाएगा आने वाले टाइम में कि ये किस तरीके से बिहेव करने वाला है। अभी के लिए ये लास्ट वाला जो डिक्लाइन है उस पर अगर हम फोकस करें वो किस तरीके से ये फॉलो कर रहा है, तो उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है, यहाँ पे लास्ट डिक्लाइन को देखे तो ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे एक इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा है, उसके बाद ये बाउंस जो है शार्प बाउंस है, हालांकि ये 3 वेव टाइप का है फिर भी एक शार्प बाउंस है, उसके बाद ये डिक्लाइन जो है वो भी हमें एक 3 वेव टाइप का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये इम्पल्सिव के बाद अगर ये जो पूरा पैटर्न जो है वो अगर ये ए बी और ये वेव सी है, तो ये पूरा रेजिस्टेंस रेंज है, इस डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट हमने निकाला है 23 to 61%। तो इस पूरी रेंज में अगर हमें एक इंपल्सिव बाउंस देखने को मिलता है 1 2 3 4 5, तो हो सकता है कि ये एक इरेगुलर करेक्शन है और इस रेंज में से डिक्लाइन जो है फिर से इसके नीचे जा सकता है। पहले तो इस रेंज में हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंपल्सिव बाउंस, फिर उसके बाद जो है यहाँ से डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर ये इंपल्सिव बाउंस के बाद डिक्लाइन करेक्टिव हो और फिर से अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से ये और भी ऊपर जा सकता है। इसको अगर ब्रेक कर देता है 18,020 को तो, राइट, अगर इंपल्सिव बाउंस के बाद डिक्लाइन भी शार्प इंपल्सिव होता है तो फिर ये इसके नीचे जा सकता है। इस तरीके की ओवरऑल पैटर्न बन रही है निफ्टी में। इमिडिएट मूव के लिए हम इस रेंज पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे पहले इंपल्सिव बाउंस और फिर डिक्लाइन को देखेंगे कि इम्पल्सिव आ रहा है तो इसके नीचे जाएगा, अगर करेक्टिव है तो फिर ये कंटिन्यू कर सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 2 ओवर चार्ट में हमने समझा था कि ये एक करेक्टिव डिक्लाइन लग रहा है एबीसी, उसके बाद
यहाँ पे ये जो डिक्लाइन है, ये डिक्लाइन हमें अभी के लिए ये इंपल्सिव लग रहा है, ये 1 2 3 4 5 वेव का डिक्लाइन लग रहा है, राइट। तो अभी भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक नहीं किया है, तो अगर ये इंपल्सिव है और ये ए, ये इरेगुलर बी और ये 1 2 3 4 5 वेव सी है, तो फिर यहाँ से बाउंस जो है वो इसके ऊपर जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही डीपली रिट्रेस किया है, तो हो सकता है कि ये कोई और पैटर्न हो, कोई कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो जो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये एबीसी के बाद अगर ये भी एक डबल जिगजैग करेक्शन है यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे एक और हमें एबीसी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जिसमें यहाँ तक अब तक ये एक इम्पल्सिव डिक्लाइन है, तो उसके बाद हो सकता है कि ये एक यहाँ पे करेक्टिव बाउंस हो। इसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला है 23 to 61%, और यहाँ पे एबीसी बाउंस के बाद फिर से ये सी के लिए, इसका ए बी और सी के लिए ये जा सकता है, जो इसका 100 to 123% का डिक्लाइन बन सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी ये रेंज जो है, इस रेंज में हम एक इम्पल्सिव बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेव सी का, क्योंकि ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो सी का बाउंस, और फिर यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी में पॉजिटिव बन सकते हैं, 42,872 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही, अदरवाइज इस रेंज में एक इम्पल्सिव बाउंस, क्योंकि ये वेव सी हम मान रहे हैं और उसके बाद डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, इसका एटलीस्ट 100 to 123% का डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।